कैसे हैं सब लोग आप। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वर्क, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट। आप इस वीडियो के नीचे राइट साइड में देख रहे होंगे एक साइट दी होगी, इसमें आप जाइए। वाईफाई स्कूलिंग आपको प्रोवाइड करवाता है ऑनलाइन कोचिंग, तो इसमें जाइए, फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अब शुरू करते हैं हम लाइट चैप्टर। चलिए तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। कहने का मतलब ये है कि लाइट हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह होती है, ठीक है, जो हमें प्रोवाइड करवाती है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन को ही हम सेंसेशन बोल सकते हैं। और विजन, जो विजन मतलब हम किसी चीज़ को देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं विजन। सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विथ लाइट आर इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर। जो मिरर में हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है उसको भी हम एक फिनोमिना बोल सकते हैं लाइट का, ठीक है। बाई मिरर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे स्टार में रात को स्टार चमकते हैं उसको भी हम एक एग्जाम्पल या फिनोमिना बोल सकते हैं लाइट का। द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो में आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, उसमें भी आपको एक फिनोमिना दिखता है लाइट का। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें हैं सब आपको लाइट के फिनोमिना से ही मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या होती हैं, अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एक एक करके। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हमें मिलता है पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल हम जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सबको पता है लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब आपको देखा होगा आपने किसी एक रूम में, बंद रूम में एक रोशनदान हो, रोशनदान से अगर धूप या लाइट निकल रही हो तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, कुछ आपको दिखते होंगे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण उसमें एयर में सराउंड होते हैं, सराउंडिंग में होते हैं, तो वो होते हैं। इसमें क्या है कि लाइट हैज़ ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर मतलब दो नेचर होते हैं उसके पास। कौन कौन सा नेचर हम बोल सकते हैं, एक वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, सही है। हाँ, नेक्स्ट है लाइट कास्ट शैडो। अब लाइट कास्ट शैडो का मतलब क्या है, लाइट कास्ट शैडो का मतलब ये है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो उसका शैडो बन जाएगा, उसका मतलब ये हुआ कि लाइट कास्ट शैडो। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है उसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट ये किस में होती है मैक्सिमम, ये पता होना चाहिए, वैक्यूम में होती है। अब हमें ये देखना है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग, अगर इन सरफेस में जैसे जो सरफेस दिया हुआ है जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, इन सरफेस में अगर लाइट पड़ती है तो उसका क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब हम अब आगे देखेंगे। चलिए जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था वो पहले हम समझ लेते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट्स स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। अब मिरर एक पॉलिश सरफेस है, आपको उसमें इमेज दिखती है, लाइट है, लाइट की वजह से इमेज दिखती है, ये भी राइट है, बट क्या है उसमें देखा है बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब समझिए आप कि मतलब जो चीज़ लाइट पॉलिश सरफेस में पड़ेगी वो वापस बाउंस होके बैक आती है। तो ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे आप इधर देख रहे हो, ये है आपके इंसिडेंट रे, ये है आपके रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
इंसिडेंट जैसे ही जाएगी वहीं से वो बाउंस करके रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये पहला लॉ हो गया द इंसिडेंट रे। सेकेंड लॉ हम देखते हैं द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाइन इन सेम प्लेन। अब कहने का इसमें मतलब ये है कि जो हमारी इंसिडेंट रे जाएगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और जो हमारी नॉर्मल रे होगी वो कहाँ एक ही जगह पे, मतलब एक ही प्लेन पे पड़ेगी। इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है इसमें? जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं, हम आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिक्यूली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर का मतलब ये है कि हमारे पास इसमें कोई दो मीडियम होंगे, कोई भी हो सकता है। हम लेंगे इसका एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, पहले इसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट इज 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ये हम पहले भी बता चुके हैं ये पॉइंट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है? रिफ्रैक्शन का कॉज ये है कि अगर हम लाइट की स्पीड में चेंजमेंट लेके आए तो उसमें हमारा रिफ्रैक्शन मिलेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, मैंने अभी जस्ट बोला था कि इसमें कोई ना कोई दो मीडियम होता है रिफ्रैक्शन में। दो मीडियम है तो कौन कौन से मीडियम? इधर मैंने एग्जांपल के तौर पे दो चीज़ लिया है, एक रेयर टू डेंसर मीडियम लिया है और एक डेंसर टू रेयर मीडियम्स लिया है, ठीक है। अब मैं वो एक बात बताओ, डेंसर मीडियम का मतलब यह है कि वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम वाटर ले लेते हैं और एक एयर ले लेते हैं तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही मतलब खुले होते हैं, फ्रीली टू मूव हेयर एंड देयर, बट वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उसमें हम डेंस मीडियम बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हमारे एयर टू डेंसर मीडियम से अगर हम फ्लो करते हैं तो क्या होगा, एयर में तो सही से वो होगा, एंगल उसका ज़्यादा होगा, बट जैसे ही डेंसर मीडियम में आएगा तो उसके पार्टिकल क्लोज होने की वजह से उसका जो एंगल है वो बहुत कम हो जाएगा। इसी को कंपेयर करके हम डेंसर और रेयर मीडियम में करें तो डेंसर ऊपर चला गया तो क्या होगा। अब मैंने तो डेंसर में जब रे गई थी तो मेरा तो एंगल छोटा था, बट जब रेयर में आई, अब उसमें क्लोजली पैक्ड नहीं है पार्टिकल, तो जो रे है वो कहीं भी भाग सकती है, तो उसका जो एंगल बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा। आप इधर देख सकते हैं, ये वाला एंगल बहुत ज़्यादा है, ये कम है। तो डेंसर में क्या क्लोजली पैक पार्टिकल थे इसलिए इसका एंगल कम बना, इसका एंगल एयर में कम क्लोजली पैक कम थे तो इसलिए इसका एंगल ज़्यादा बना। इसी के कंपेयर में देखो, रेयर टू डेंसर में एंगल इधर पे ज़्यादा है और इधर पे कम है। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पहले पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसमें पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉज है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन सेम प्लेन। इसमें एक थोड़ा सा मीडिया की जगह मीडियम कर लेना, करेक्शन कर लेना। जो बोल रहा है ये कि द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। मतलब जितनी भी रे निकलेंगी वो कहाँ से लाई करेंगी, वो सारी की सारी लाई करेंगी एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, चाहे वो कौन सा भी प्लेन हो, ठीक है। अब दूसरा लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये बोलता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब एंगल की बात हो रही है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब दोनों में हमें साइन एंगल लेना है, बट किस में, एक इंसिडेंस में एक रिफ्रैक्शन में, इज अ कॉन्स्टेंट। ये क्या होना चाहिए, दोनों कॉन्स्टेंट, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इधर भी करेक्शन कर लीजिएगा, इसको मीडियम कर लीजिएगा। अब देखो, इंसिडेंट रे का साइन एंगल और रिफ्रैक्शन रे का साइन एंगल ये इक्वल टू क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप आज के लिए यहीं पे हैं, जो भी डाउट हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।